कि इस हॉल में बैठे कितने व्यक्ति इसे रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जितना आप यहां से जाने के बाद पार्किंग टिप के तौर पर जो पैसे किसी को देते हैं, उससे बहुत कम में आज गरीब की जिंदगी का बीमा होता है। सोचिए, सिर्फ एक रुपये महीना पर दुर्घटना बीमा और 90 पैसे के प्रतिदिन के प्रीमियम पर जीवन बीमा, आज देश के 15 करोड़ से ज्यादा गरीब सरकार की इन योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के तहत गरीबों को लगभग 1800 करोड़ रुपए की क्लेम राशि ऑलरेडी दी जा चुकी है। अगर इतने रुपए किसी और सरकार ने दिए होते तो मैं जरूर कहता हूं उस सरकार को बड़ा गरीबों का मसीहा, हिंदुस्तान टाइम्स में हेडलाइन, टीवी पर 24 घंटे चर्चा, न जाने क्या क्या होता। लेकिन ये सरकार है जिसने 90 पैसे का बीमा, 90 पैसे का, एक रुपये का बीमा और 1800 करोड़ रुपया उस गरीब को संकट के समय उसके घर पहुंचा दिया है। लेकिन गरीबों के लिए इतना बड़ा काम हुआ, मुझे नहीं लगता इस पर किसी ने ध्यान दिया है। यह भी एक सच है और जिसे मैं स्वीकार करके चलता हूं, कोई नोटिस करे न करे, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा कन्विक्शन है और मैं इसलिए कर रहा हूं, ये किए बिना मैं रह ही नहीं सकता। एक और उदाहरण एलईडी बल्ब का है। पहले की सरकार में जो एलईडी बल्ब 300-350 का बिकता था, वो अब एक मध्यम वर्ग के परिवार को लगभग 50 रुपये में उपलब्ध है। उजाला योजना शुरू होने के बाद देश में अब तक लगभग 28 करोड़ एलईडी बल्ब बिक चुके हैं। इन बल्बों से लोगों को 14,000 करोड़ रुपए आपके गले नहीं उतरता हूं क्या आंकड़ा 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित बचत इस एलईडी बल्ब को लगाने वालों के जेब में बच गई है। 14,000 करोड़ रुपया बचना, मध्यम वर्ग के परिवार की जिंदगी में इतनी बड़ी रकम बचना, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर मेरी सरकार ने 14,000 की कोई स्कीम लागू की होती तो शायद आने वाले 50 साल के लिए मध्यम वर्ग की मेरी वोट बैंक खड़ी हो जाती है। ये जो बदलाव है, ये नई सोच, नया तरीका, बहुत लोगों के लिए पल्ले पड़ना बड़ा मुश्किल जा रहा है जी। ऐसा भी नहीं है कि बचत पर बिजली बिल कम होने पर कुछ समय में फुल स्टॉप लग जाएगा। ये जो बचत हो रही है ये निरंतर होती रहने वाली है, ये वन टाइम नहीं है। और ये बचत भी अब परमानेंट है, ई रिवर्सिबल है। भाइयों और बहनों, पहले ही सरकारों को कोई मुझे बताए कि
क्या किसी ने उनको रोका था? मैं जानता हूं किसी ने रोका होगा, लेकिन इतना जानता हूं कि सिस्टम में स्थायी परिवर्तन लाने के फैसले लेने से, देश हित में फैसला लेने से किसी के रोके रुकने वाली ये सरकार नहीं।